हेलो एवरीवन, मैं हूँ दामिनी। आज हम बनाएंगे मेथी की मटरी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं मेथी की मटरी। मटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। आधा कप मैदा लेंगे और 1/4 कप सूजी लेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ मसालों की जरूरत होगी। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 5 चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इन सभी को पहले अच्छे से मिला लेंगे। और मटरी को खस्ता बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच ऑयल इस मिक्सचर में मिलाएंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और पानी की सहायता से एक सख्त आटा गूंदकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि हमें बहुत नरम नहीं, सख्त आटा चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कितना सख्त आटा साना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हाथ को ग्रीस करेंगे और इसे आटे पर लगा देंगे। और इस गूंधे हुए आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए कवर करके रख देंगे। दस मिनट हो गए हैं। एक बार इसे हल्के हाथों से फिर से मसल लेते हैं। आटे को हम रोलिंग बोर्ड पर निकाल लेते हैं। और इसे 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। दो पार्ट को हम रख देंगे कवर करके ताकि ये सूख ना जाए, और 1 पार्ट को हम चिकना करके गोल बनाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसको हम पतला बेल लेंगे। सभी तरफ से घुमा घुमा कर इसे हम बेलते जाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमें इसे बहुत मोटा नहीं रखना है और हर साइड इक्वल हो, इसलिए हम घुमा घुमा कर बेलेंगे। पतला ही बेलना है हमें, बहुत मोटा नहीं रखना है। तो अब हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया। अब एक फोक की सहायता से हम इसे प्रिक कर लेंगे ताकि ये तेल में जाकर पूरी की तरह फूल ना जाए। तो बहुत अच्छे से हमें दोनों ही साइड में, मतलब पलट कर भी इसके प्रिक करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें।
पलटें और प्रिक करें। ऐसे आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके भी पूड़ियों के जैसे छोटे छोटे बेल सकते हैं, पर मैंने इसे एक साइज में बेल लिया है। और अब मैं कटर की सहायता से या कुकी कटर की सहायता से, यहाँ तो मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, उसको मैंने डस्ट में थोड़े सा डिप किया है ताकि ये आटा इस पर चिपक ना जाए, और उसी की सहायता से मैं गोल गोली से कट कर लूँगी ताकि इसके सारे कोने बराबर हों और दिखने में भी ये सुंदर लगे। इसी तरीके से सारी मटरियों को हम तैयार कर लेंगे। मटरियां हमारी तलने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने जितनी रिक्वायरमेंट है ऑयल डाली है, और सारी मटरियों को मैं इसमें डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, लो फ्लेम में ही हमें सारी मटरियों को फ्राई करना है, नहीं तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगी। थोड़ी देर में ही ये पूड़ियों की तरह नरम हो जाएगी। लो फ्लेम रख के पलट पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से तल लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जाएंगे और सेकते जाएंगे इसे, जब तक कि कलर एक बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। मटरियों में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये सिक्कर बिल्कुल तैयार है, इनको निकाल लेते हैं। बढ़िया अच्छा कलर आया है, और इसी तरीके से हम बाकी मटरियों को भी तल लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि इनको हमें लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और रखकर काफ़ी दिनों तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की मटरी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।